नमस्कार, आप सभी का स्वागत है YouTube चैनल कुमार फाइनेंस पर। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिटर हैं इस चैनल पर या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर प्रेस करें ताकि जब भी कोई वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं अनुपमा रसायन इंडिया लिमिटेड के बारे में। ये स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर से आने वाली कंपनी है और 24 मार्च 2021 को इसका आईपीओ स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग हुआ। देखा जाए तो बहुत सारे आईपीओ ने बम्पर लिस्टिंग की, चाहे 2021 का साल हो या 2020 का हो, लेकिन अगर बात किया जाए अनुपमा रसायन इंडिया लिमिटेड का, इसका स्टॉक मार्केट में लिस्टिंग प्रीमियम नहीं हुआ और ये डिस्काउंटेड प्राइस पर देखने को मिला था। इसका आईपीओ जब रिलीज हुआ था मार्केट में उसका प्राइस बैंड 55 के आसपास था, लेकिन 5% डिस्काउंट के साथ ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ और फर्स्ट डे इसका ट्रेडिंग देखा जाए तो ये 28 रुपए 20 पैसा की गिरावट के साथ 526 रुपए 80 पैसा पर क्लोज हुआ। देखा जाए तो स्टॉक मार्केट भी निगेटिव बना रहा और ऑलमोस्ट 1.5% के आसपास गिरावट देखने को मिली, चाहे निफ्टी हो या सेंसेक्स हो। लेकिन पहले से ही एक्सपेक्ट किया जा रहा था अनुपमा रसायन इंडिया लिमिटेड का स्टॉक मार्केट में डिस्काउंटेड प्राइस पर लिस्टिंग होने वाली है। देखा जाए तो अगर किसी भी आईपीओ को स्टॉक मार्केट में प्रीमियम रेट पर लिस्टिंग होना होता है, पहले ही ओवर सब्सक्राइब हो जाता है और ग्रे मार्केट में ऐसी चर्चा छिड़ जाती है कि ये पर्टिकुलर आईपीओ स्टॉक मार्केट में इस प्रीमियम रेट पर लिस्टिंग होगा। अब बात आती है क्या इस शेयर को करंट टाइम में बाई करना चाहिए, चाहे शॉर्ट टर्म हो या लॉन्ग टर्म हो। उसके लिए हम इसका बैलेंस शीट देखेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट देखेंगे पिछले कुछ सालों का, या थोड़ा और वेट करना चाहिए इसमें करेक्शन के लिए। वॉल्यूम एनालिसिस को देखें तो मात्र एक दिन का डेटा दिया हुआ है इसके शेयर ट्रेडिंग क्वांटिटी का। एनएसई और बीएसई मिलाकर टोटल 1.77 करोड़ इसका शेयर ट्रेड होता है, जिसमें डिलीवरी का परसेंटेज ठीक ठाक देखने को मिल रहा है और ये करीब 29% के आसपास है। क्वांटिटी वाइज जाया जाए तो ये 51.12 लाख शेयर डिलीवर हुआ है। इस शेयर का फ्यूचर कैसा रह सकता है उसके लिए इसका फंडामेंटल और बैलेंस शीट देखें। उसके पहले इसका सब्सक्रिप्शन डिटेल देख लेते हैं जो आईपीओ के टाइम में आया था और ग्रे मार्केट में जो एक दिन पहले इसके बारे में चर्चा हो रही थी। ग्रे मार्केट में 1 वीक पहले की चर्चा को देखा जाए तो तब एक्सपेक्ट किया जा रहा था अनुपमा रसायन का शेयर 60 to 63 रुपीज प्रीमियम रेट पर स्टॉक मार्केट में लिस्ट होगा, और अगर उसके हिसाब से जाया जाए तो इसका आईपीओ का प्राइस बैंड 553 से 555 के बीच में था और इसका लिस्टिंग 615 से 618 रुपया के बीच में होनी चाहिए थी, जो ऑलमोस्ट 11% के आसपास प्रीमियम रेट होता। इस आईपीओ का ओवरऑल सब्सक्रिप्शन देखा जाए तो 44.06 टाइम्स देखने को मिला था। 760 करोड़ के लिए ये आईपीओ मार्केट में इशू किया गया था और उसके अगेंस्ट में 97,01,809 शेयर इशू किया गया था, जिसके अगेंस्ट में 42,74,80,578 करोड़ शेयर्स के लिए सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था, जिसमें क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल बायर के कैटेगरी में 65.74 टाइम्स सब्सक्राइब हुआ था, नॉन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 97.4 टाइम्स सब्सक्रिप्शन देखने को मिला था और रिटेल इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स कैटेगरी में 10.77 टाइम्स ये आईपीओ सब्सक्राइब हुआ था। अनुपमा रसायन इंडिया लिमिटेड मार्केट के लिए नई कंपनी है, इसलिए प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हो या बैलेंस शीट हो बहुत ज्यादा सालों का डिटेल यहां पर नहीं मिलेगा। मात्र 2 सालों का इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में डिटेल दिया हुआ है। मार्च 2019 का एनुअल रिपोर्ट है और मार्च 2020 का एनुअल रिपोर्ट है। अगर सेल्स टर्नओवर देखा जाए तो 501.50 करोड़ इसका मार्च 2019 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से था, जो बढ़ के 529 करोड़ के आसपास हो जाता है मार्च 2020 के एनुअल रिपोर्ट में। पिछले 2 सालों में ऑपरेटिंग प्रॉफिट इसका जबरदस्त तरीके से बढ़ा है अगर इसका कंपैरिजन हम सेल्स टर्नओवर से करें तो, क्योंकि ये 93.47 करोड़ से बढ़ के 134.47 करोड़ हो जाता है। ईबिटडा पे अगर नजर डाला जाए तो यहाँ पर भी जबरदस्त उछाल देखने को मिल रहा है सेल्स के कंपैरिजन में, और ये 112.56 करोड़ से बढ़ के 145.35 करोड़ हो जाता है। इस कंपनी पे पहले से कुछ कर्ज भी है जिसके अगेंस्ट में इसको कुछ इंटरेस्ट भी पे करना पड़ता है। 2019 में 24.31 करोड़ ये कंपनी इंटरेस्ट पे की थी, जबकि अगले साल यानी 2020 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 45.26 करोड़ रुपया ये इंटरेस्ट पे की है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स पार्ट को देखा जाए तो ये कंपनी 50.23 करोड़ का प्रॉफिट बुक की थी 2019 में, जबकि 2020 में ऑलमोस्ट ये 53 करोड़ के आसपास प्रॉफिट की है। ओवरऑल प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट को देखा जाए तो पिछले 2 सालों में इस कंपनी ने ठीक ठाक परफॉर्मेंस दिया है, लेकिन आगे बढ़ते हुए इसका बैलेंस शीट देख लेते हैं जिसके बेसिस पर हम फ्यूचर का इसका अनुमान लगा सकते हैं।
बैलेंस शीट भी इस कंपनी का 2 साल का ही दिया हुआ है और यहाँ पर केवल मेजर पार्ट को अगर कवर किया जाए तो रिजर्व एंड सरप्लस मार्च 2019 के एनुअल रिपोर्ट के हिसाब से 432 करोड़ के आसपास था, जो बढ़ के 515 करोड़ हो जाता है। रिजर्व एंड सरप्लस के बेसिस पर कहा जा सकता है ये कंपनी जिस सेगमेंट से आती है और इसका मार्केट कैप का जो साइज रहने वाला है ये अच्छा नजर आ रहा है। बैलेंस शीट के लायबिलिटीज पार्ट के कुछ दूसरे मेजर एस्पेक्ट पर नजर डाला जाए तो ये कंपनी ठीक ठाक लोन ले रखी है और सिक्योर्ड लोन इस कंपनी के ऊपर फिलहाल 489.42 करोड़ देखने को मिल रहा है, जो पिछले एक साल में कंपनी ने काफी बढ़ाया है क्योंकि पिछले साल इस कंपनी के ऊपर 634 करोड़ के आसपास लोन हुआ करता था। ये मुझे लगता है थोड़ा सा अलार्मिंग है क्योंकि इसका रिजर्व एंड सरप्लस से इसका सिक्योर्ड लोन काफी ज्यादा देखने को मिल रहा है, जिसके अगेंस्ट में जैसा कि हमने देखा प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में ये कंपनी इंटरेस्ट पे करते आ रही है। दोस्तों जैसा कि हमने देखा अनुपमा रसायन इंडिया लिमिटेड का बहुत ज्यादा डिटेल नहीं दिया हुआ है और जितना भी डिटेल दिया हुआ है इसके बैलेंस शीट को हम अगर कंसीडर करें तो वहां पर सरप्लस से ज्यादा इस कंपनी के ऊपर सिक्योर्ड लोन है, जिसके अगेंस्ट में इस कंपनी को लगातार इंटरेस्ट पे करना होगा जो इसके प्रॉफिट मार्जिन से कटौती करके दी जाएगी। अब अगर बात किया जाए क्या किसी को इस शेयर में इन्वेस्ट करना चाहिए करंट टाइम में, मैं यहाँ पर कर सकता हूँ ऑलरेडी डिस्काउंटेड प्राइस पर ये स्टॉक मार्केट में लिस्ट हुआ है, अभी सेलिंग का प्रेशर इस पर देखने को नहीं मिल रहा है और मुझे पक्का विश्वास है जितने भी लोग IPO इसका सब्सक्राइब कर रखे हैं आने वाले टाइम में उसको सेल करेंगे और जब इस शेयर पर सेल ऑफ का प्रेशर बढ़ेगा मुझे लगता है कि इसके शेयर प्राइस में और ज्यादा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। हालांकि ये गारंटी के साथ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले टाइम में ऐसा ही होगा, लेकिन मुझे अगर डिसीजन लेना होगा खुद का इन्वेस्टमेंट के लिए मैं इस शेयर को अवॉइड करूंगा और प्रेफर करूंगा टाटा केमिकल्स जैसे शेयर को जो फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग नजर आ रही है, पिछले कुछ सालों में अच्छा परफॉर्मेंस देते हुए आ रही है, रादर ऐसी कंपनी में जिसका परफॉर्मेंस अभी देखा जाना बाकी है। फिलहाल इस शेयर पर मेरा कोई सजेशन या रिकमेंडेशन नहीं है, जस्ट मेरा ओपिनियन है और एनालिसिस के माध्यम से जो मुझे समझ में आया मैंने आपके साथ शेयर कर दिया। इसके अलावा अगर आप चाहें इसमें इन्वेस्ट करने के लिए थोड़ा सा रिसर्च और एनालिसिस और कर लें जो डेटा मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया, फिर आप डिसीजन ले सकते हैं आपको क्या करना है। इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा, फिर भी मैं कहना चाहूंगा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, अगर पसंद आए तो लाइक का बटन प्रेस करके अपने सर्किल में शेयर करना ना भूलें। लास्ट तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।